नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कैसे निकाली जाती है। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ग के बारे में। तो अगर आपको वर्ग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, वर्ग के सवाल नहीं आते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। मैं आपसे दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये गारंटी देता हूं कि आपको समझ में जरूर से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो आकृति आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। अब इसकी पहचान देखिए, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और चारों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, देखिए चारों भुजाएं यानी ये 4 सेंटीमीटर है तो सभी 4 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, और इसका ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का होता है और सभी कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और इसके जो विकर्ण होते हैं दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अब इसकी परिभाषा की अगर बात की जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ग की परिभाषा बताइए, तो आप कहेंगे कि ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझिए, ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और जिसके सभी कोण 90 डिग्री के हों, ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए वर्ग की परिभाषा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर बोला गया है वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है, तो देखो जैसे कि एक वृत्त होता है गोला। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां से लेकर पूरी यहां तक की जो लंबाई है इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो हमें भी इसकी परिधि ही निकालनी है, मतलब कि यहां पर हमने टोटल इस गोले की लंबाई निकाली कितना लंबा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसकी भी पूरी लंबाई निकालेंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इसको हम क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। ठीक है, ये भी इसकी परिधि है और परिधि की माप को हम क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। तो ये हो गया इसका परिमाप। ठीक है, तो परिमाप आप कैसे निकालेंगे, जब ये 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। ठीक है, तो सब परिमाप को हमें जोड़ के बताना है ना, चारों का जो योग है वो कितना होगा, तो सभी को जोड़ देंगे, 4 4 8 4 12 4 16। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर फार्मूले में डायरेक्ट आप निकालेंगे कि भैया यहां पर देखिए 4 भुजाएं हैं, तो एक भुजा की लंबाई यदि 4 है तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, और 16 ही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। समझ में नहीं आया, देखिए एक बार और समझिए, जैसे कि ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इन सभी को हम जोड़ के परिमाप निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं कि भैया यहां पर भुजाएं टोटल कितनी है, 4 है। ठीक है, तो 4 गुणा भुजा, 4 से हम एक जो भी भुजा होगी उसका गुणा कर देंगे, तो यहां पर 4 और 4 इसकी लंबाई है तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। तो इस प्रकार से हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप का फार्मूला देखिए अपने आप ही आपको याद हो गया। तो देखिए यहां पर वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। ठीक है, 4 गुणा भुजा, इस तरीके से हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल मैं आपको बता देता हूं कि क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कि देखिए ये आपका एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, छोटा सा ही बना देता हूं, ये एक वर्ग है। ठीक है, अब इसके अंदर जितनी भी जगह है उस टोटल जगह का जो माप है उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हमने मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब हम पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि इन पूरे टुकड़ों का जो माप है वो कितना है। ठीक है, तो जैसे हम यहां पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 6, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर भी इन खानों की संख्या 6 है, ऐसे में भी 6 है, ऐसे में भी 6 है, ऐसे में भी 6 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम यहां पर इन दोनों का गुणा कर देते हैं, भाई लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। लेकिन इसमें तो लंबाई और चौड़ाई सेम ही होगी, तो हम क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, भुजा का वर्ग। ठीक है भाई, दोनों का गुणा करेंगे, इससे बढ़िया 6 का वर्ग यानी 6 गुणा 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 36। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, देखिए भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा में ही भुजा का गुणा कर दो तो हमारा जो
है क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब आता है विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की जो लंबाई है वो कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण क्या होता है, यहां से यहां तक कोई रेखा खींची गई है इसकी लंबाई को हम बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई निकालते हैं हम रूट टू और भुजा का गुणा कर देते हैं तो निकल जाता है। ठीक है, अब हम यहां पर एक सवाल करते हैं, इसकी लंबाई मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं भुजा कितनी है भाई 6, और डबल से हमें देखिए भुजा का गुणा भुजा में करना है, डबल से 6 कर दो, 6 छींक कितना हो जाएगा 36, तो जो 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर हमेशा वर्ग सेंटीमीटर आता है, तो 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप, ठीक है, तो यहां पर क्या है 4, तो 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी है 6, तो यहां पर कर दो 6, 4 छिंग कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए कितना आसान है। चलिए अब हमें विकर्ण की लंबाई निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, रूट टू तो हमें दिया ही है, इसके बाद में यहां पर गुणा भुजा कितनी है 6 है। ठीक, तो यहां पर हम कर देंगे भैया 6 रूट टू जो है ये हमारी विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का परिमाप निकालते हैं और वर्ग का विकर्ण निकालते हैं। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि किस प्रकार से हमें निकालना है। तो ऐसे ही अगर आपको और भी सवाल समझने हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वेलन का समझना है, वर्ग का समझना है, घन का समझना है, घनाभ का समझना है, तो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। बस आप कमेंट करिए, आपकी कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा और आपकी कमेंट का वीडियो भी बना दिया जाएगा। और इस सवाल में कोई भी आपको डाउट लगता हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।